उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बच्चों को ठंड से बचाना एक बड़ी चुनौती हो जाती है, खासकर ऐसे परिवारों के बच्चे जिनके अभिभावक दो वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करते हैं। लेकिन अब इनकी मदद के लिए कई नेता व सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए हैं। नन्हे छात्रों को ठंड से सुरक्षित रखने के लिए भाजपा नेता संजीव सैनी ने रानी पोखरी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय शांति नगर के सैकड़ों बच्चों को गर्म कपड़ों व स्टेशनरी का वितरण किया। इस दौरान भाजपा नेता संजीव सैनी ने कहा कि उनके द्वारा गरीब बच्चों को गर्म कपड़े वितरण की मुहिम चलाई गई है, जिसमें वह मजदूरों के पढ़ने वाले बच्चों की मदद करेंगे। वहीं रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने इस मुहिम की जमकर प्रशंसा की है और आमजन से अपील करते हुए कहा कि ऐसे बच्चों की मदद के लिए हम सभी को आगे आने की जरूरत है, ताकि हर बच्चा पढ़ सके और आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर सके। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। समाज सेवा है ये, हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, सामाजिक क्षेत्र में हैं, तो पता करा कि यहाँ कुछ बच्चों को जो बच्चियां हैं उनके लिए तो सरकार का द्वारा इसकी सुविधा है ट्रैक सूट की। ये लगभग 42 बच्चे ऐसे थे जिनके पास ट्रैक सूट की सुविधा नहीं थी और ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, तो मैंने विचारा कि इन बच्चों के लिए ट्रैक सूट का जो यूनिफॉर्म है इनकी उसको उपलब्ध कराया जाए। तो इनका नाप लेके मैडम से पूछ के उनका नाप लेके उनकी जो है ट्रैक सूट उनको उपलब्ध कराए गए। और जो बच्चियां हैं बच्चों को जो है ज्योमेट्री बॉक्स जो बच्चों को काम के लिए आता है उसको उपलब्ध कराए गए। ये हमारा समाज है, समाज से भी हैं हमारे अखिलेश जी हैं, सभी लोग हैं, केवट जी हैं, सभी लोगों के प्रयास से जो ये आज कार्य हुआ है। और मैंने पहले भी एक बार यहाँ पर जो स्कूल बैग हैं उनको लगभग 6-7 वर्ष पूर्व उनको दिए गए थे बच्चों को। तो हमारे जो हम क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं भाजपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उसके लिए उसी भाव को लेकर हम स्कूल में आए हैं। संजीव सैनी जी की तरफ से जो बच्चों को ट्रैक सूट दिए और कुछ बुक्स वगैरह और अन्य सामान दिया गया, तो ये बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा दिन है और हमारे क्षेत्र के लिए भी अच्छा दिन है कि ऐसे लोग समाज में है कि जो आज देख रहे हैं कि वास्तव में जिनको पीड़ा है जिनको जरूरत है उनको चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसी परंपरा समाज में होनी चाहिए, सबके अंदर आनी चाहिए और ये प्रयास इनकी तरफ से शुरू किया गया है और आगे भी उम्मीद करेंगे कि हमें इनका सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। तो मैं इनका पुनः धन्यवाद करता हूँ।